हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक टू हनी एंड टेक। सो आज मैं आपके सामने मेरा न्यू लैपटॉप एचपी पवेलियन जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, फ्लिपकार्ट बिलियन डे सेल के टाइम पे मैंने ऑर्डर किया था, मैं आपके सामने क्विकली इसको अनबॉक्सिंग करूँगी। हम इसके फीचर्स देखेंगे कि ये किस तरह का है। आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट लैपटॉप जिसको मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ हनी एंड टेक पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने इसको ओपन कर दिया है, ये मेरा बिल है, ये मैंने डिस्काउंट में लिया था फ्लिपकार्ट बिलियन डे पे। सो इसका जो प्राइस है वो 71,990 का है, मुझे डिस्काउंट मिला है। ओके, और साथ में मैंने इसको कुछ एक्सचेंज प्राइस पे भी लिया है, मैंने मेरा पुराना लैपटॉप इसके साथ एक्सचेंज किया है, पर इसकी जो प्राइस है अभी 71,990 है। ये बिलियन डे सेल पे मैंने ख़रीदा है। आप हो सकता है आप जब भी खरीदोगे तभी दिवाली का सेल होगा, तो मैं उसकी भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट की लिंक दोनों की भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो ये मेरा बिल आया है, इसको मैं साइड में रख देती हूँ और अभी मैं इसमें से डिटेल्स सारी निकालती हूँ। ऑफिस वर्जन है, ऑफिस होम स्टूडेंट, अगर आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इसमें होम एंड स्टूडेंट है। बाकी प्रोडक्ट की ये इन्फॉर्मेशन है, मैं क्विकली इसको अभी निकाल के आपको बताती हूँ। सर आप देखिए, और एक बॉक्स आया है जिसमें ये अच्छी तरह से पैक्ड है। ये डिटेल्स ऑफ द शिपमेंट एंड सारी डिटेल्स है ई कॉमर्स साइट की, जो जस्ट आपको बताने के लिए मैंने ये बॉक्स अभी आपको बताया है। मैं अभी यहाँ पर आपको कट करके बता रही हूँ किस तरह से ये इसकी पैकेजिंग आई है। सो वाओ, सो इसमें मुझे एक चार्जर मिला है। यस, नया लैपटॉप है तो बाय डिफॉल्ट ये अडैप्टर है साथ में। सो देखो मेरा लैपटॉप इस तरह से दिख रहा है। It's really very beautiful laptop and very small, but it has all the configuration, all the important options I have. See, this is i5 10th generation laptop where I'm getting Microsoft included by default. So मुझे मेरे हनी एंड टेक के लिए मुझे use करने के लिए easy होगा। Okay, so मैंने start कर दिया है। इसका जो start button है वो यहाँ पर है, आप यहाँ से इसको start कर सकते हो, ये वाला बटन प्रेस करके। और ये फिंगर सेंसर है जिससे आप लॉक कर सकते हो। सो जैसे आप स्टार्ट बटन ऑन करते हो, यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स पूछ रहा है। सो यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि ये इंडिया बता रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आ ही जाएगा क्योंकि इंडिया में ये प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है। आपको नॉर्मली आपकी जो भी लैंग्वेज प्रेफर्ड लैंग्वेज है वो आपको सेट करनी है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वो स्क्रीन आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैसेज पूछ रहा है वांट टू ऐड अ सेकंड कीबोर्ड लेआउट। अगर करना है तो आप कर सकते हो, वरना स्किप कर सकते हो। ठीक है, आई हैव जस्ट स्टार्टेड माई लैपटॉप। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो ब्राउज़र है वो यहाँ पे अवेलेबल आपको दिख रहा है, वाईफाई जो अवेलेबल है, एंड आपको आपका यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है जो आप एंटर कर दीजिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिख रहा है विंडोज़ 10 लाइसेंस अग्रीमेंट है, सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है, लाइसेंस टर्म्स एंड अग्रीमेंट है, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट। सो आई एम जिसे पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, या तो टर्म्स एंड कंडीशन जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो आपको एक्सेप्ट करनी है। ओके, सो यहाँ पे अगर आपको आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ऐड कर देनी है, यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी टाइप कर रही हूँ। यूज़ योर फिंगरप्रिंट टू साइन इन फास्टर एंड मोर सिक्योरली। ओके, सो यहाँ पे आप आपका जो फिंगरप्रिंट है उस वो सेटअप कर सकते हो, सो दैट अगर आपके एब्सेंस में कोई और आपका पीसी यूज़ ना कर सके। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन दे हैव गिवन इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। सो आई एम जस्ट ऑथेंटिकेटिंग माई फिंगर नाउ। तो यहाँ पे हम फिंगरप्रिंट सेटअप कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे सेटअप पे क्लिक किया है। ओके, सो देन आपको स्क्रीन यहाँ पे मैसेज दे रहा है, टच द फिंगरप्रिंट सेंसर रिपीटेडली, लिफ्ट एंड रेस्ट योर फिंगर ऑन द सेंसर अंटिल सेटअप इज कम्प्लीट। ओके, सो मैं यहाँ पे सेटअप कर रही हूँ। सेम टाइम पे आप देख रहे हो सिस्टम ऑलरेडी डिटेल्स मेरी वेरीफाई कर रहा है। आपको हैंड्स बार बार उसको उस पर लिफ्ट करना है। ओके, सो दैट ये जो भी वाइट से ब्लू लाइन हो रहा है ये सारी लाइंस आपकी वेरीफाई कर दे, आपका हाथ वेरीफाई कर दे।
सो आफ्टर यू सेटअप योर पिन सिस्टम आपको ये मैसेज देगा जो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिकली आपको रेकमेंड कर रही है कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, क्या लोकेशन सेट वगैरह कर सकते हो. ओके, सो बाय डिफॉल्ट इसको एक्सेप्ट करके आपको अगर रीड करना है तो आप ये पूरा एडवर्टाइजिंग आईडी, टेलर्ड एक्सपीरियंस, इंकिंग, टाइपिंग, ये सब एक्सेप्ट कर, बाय डिफॉल्ट एक टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको एक्सेप्ट करनी है. सो डू मोर अक्रॉस डिवाइसेस विद द एक्टिविटी हिस्ट्री इफ यू वांट टाइमलाइंस, ये सब बेसिक फीचर है, यस कर लीजिए. नंबर एंटर करके मैंने बस नेक्स्ट पे क्लिक किया है जहाँ पे आपको बोल रहा है यहाँ पे बैकअप योर फाइल्स विथ वन ड्राइव. ओके, आपके ड्राइव में सारी इंफॉर्मेशन बैकअप होगी. ये बाय डिफॉल्ट इनका वर्जन दिया है जो आपको एक्सेप्ट करना है. योर डिवाइस इज इवन बेटर विथ माइक्रोसॉफ्ट 365. सो बाय डिफॉल्ट मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 की मेंबर ही हूँ और यहाँ पे भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल रहा है. सो कॉर्टाना हेल्प यू गेट थिंग्स डन. कॉर्टाना ये बाय डिफॉल्ट इनकी जो वॉइस आ रहा है उनका नाम है जो आपको हेल्प करेगी अगर आपको कोई क्वेरी है तो. यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट आपकी इंफॉर्मेशन डालनी है एंड देन क्लिक ऑन एक्सेप्ट. तो ये विंडो स्टार्ट हो रहा है जो इट विल गिव यू अ मैसेज डो दिस माइट टेक अ सेवरल मिनट्स, डोंट टर्न ऑफ योर पीसी. सो जस्ट वेट क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपने आपकी इंफॉर्मेशन फिल की है यहाँ पे अबाउट योर नेम, योर ईमेल आईडी, योर क्रेडेंशियल, व्हाट यू सेव, सो सिस्टम विल कैप्चर इट एंड देन इट विल अलाउ यू टू स्टार्ट एंड वर्क ऑन इट. सो वंस आपके सिस्टम जो डिफॉल्ट कैप्चर हो गए उसके बाद आपका पीसी रेडी हो गया है. यहाँ पे आपका जो लैपटॉप है वो रेडी हो गया है. मैं अभी आपको क्विकली पेन का सिल्वर कलर की जो पेन आई है उस पर यूज़ करके बताऊँगी यहाँ पे किस तरह से आप टच कर सकते हो. इवन आई एम डूइंग इट फर्स्ट टाइम. ये जो माइक्रोसॉफ्ट एचपी की तरफ से ये जो पेन आई है बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो इसका लुक कैसा है. सिल्वर कलर की ये जो पेन है इसको मैं अभी आपको आपके सामने यूज़ करके बताऊँगी. यहाँ पे आपको HP पेन कंट्रोल करके दिख रहा है. यहाँ पे सिर्फ आपको जाना है, ठीक है. आपको उसकी जो सेटिंग है वो आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बता रहा है, गूगल एनालिसिस नोटिस. नीचे यहाँ पे आपको येस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन यू जस्ट हैव टू डन. ओके, अभी असाइन एक्शंस टू द पेन बटन, टॉप बटन, राइट क्लिक एंड सिलेक्ट. यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपको इसमें से कौन से एक्शंस आपको यूज़ करना है. सो बेसिकली मुझे जो भी यूज़र फ्रेंडली के हिसाब से करना है. देखिए बॉटम वाला बटन, अगर आपको कुछ इरेज करना है इस पेन में, जो आपको दो बटन दिए गए हैं आप अगर देख सकते हो राइट, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, ये जो दो बटन दिए हैं ये वन और ये टू, ये दो बटन दिए. तो आपको क्या करना है, आपको टॉप बटन का यूज़ क्या करना है. टॉप बटन अगर आपको राइट क्लिक करवाने के लिए, राइट एरो, बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने राइट क्लिक दिया है एंड सेकंड बटन इरेज है. आपको ये सेटिंग अप्लाई करनी है तो आप अप्लाई कर सकते हो. इस पेन को आप कैसे चार्ज कर सकते हो, सी यू कैन जस्ट ओपन दी यू नो केबल बॉक्स ऑप्शन एंड यहाँ पे आपको जो केबल मिला है साथ में, ये वाला जो केबल है इससे आप इसको चार्ज कर सकते हो. तो अभी मैं आपको कनेक्ट करके बताती हूँ. मैंने देखिए इसको कनेक्ट कर दिया है, आप इजीली इसको चार्ज कर सकते हो, ठीक है. थोड़ी देर के लिए मैं इसको अभी चार्ज करके आपको बताती हूँ एंड देन आई विल यूज़ दी पेन. मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है एंड यू कैन सी दिस लाइट अल्सो जो चार्ज हो रहा है, ठीक है. तो इसको थोड़ा चार्ज करने के बाद मैं अभी आपको इस पर लिख के भी बताऊँगी. सो मैं अब आपको जो है इस पेन का यूज़ करके मैं आपको बताऊँगी, ठीक है. जैसे अगर आपने, मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर ले लिया है, ठीक है. यहाँ पे मैं क्विकली यहाँ पे कोई भी, सो अच्छा लग रहा है ये टाइप करके. आप इस पर यहाँ पे मैं अभी आपको पेंट में जाके मैं थोड़ा सा ड्राइंग करके बताती हूँ आपको. हनी शाह, हनी एंड टेक, ओके. सो ये जो सिल्वर पेन है इसको आप चार्ज कर सकते हो. चार्जिंग भी मैंने आपको बताया कैसे चार्ज कर सकते हो.
ओके आपको कीपो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया पेन कंट्रोल, एचपी पेन कंट्रोल पे जाके यहाँ पे आपको जो भी सेटिंग है, आपको ये जो लेफ्ट एंड टॉप एंड बॉटम का जो बटन है ये वाला, आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो सेटिंग है आप इसको इरेज या पे जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है अगर आपको चेंज करनी है तो इस पे से आप कोई भी सेटिंग लेके आप बस अप्लाई कर सकते हो। सो यस, अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये HP 2-in-1 लैपटॉप है, जहाँ पे आपको 360 एंगल, इसको आपको मैं टर्न करके भी बताऊँगी, सारे बेसिक फीचर्स अवेलेबल है। काफ़ी प्रीमियम क्लास का है, जहाँ पे अगर कोई भी स्टूडेंट या प्रोफेशनल लेवल पे अगर इसको यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी यहाँ पर आपको दिख के आ रही है। ओके, स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको सिल्वर कलर की जो पेन भी मिलती है, जो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। टच स्क्रीन का जो फील होता है, एक क्लासी लुक आता है, काफ़ी बेटर वर्जन प्रोवाइडेड है यहाँ पे। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, ये जो लुक है, एल्यूमिनियम जो इसकी स्क्रीन है वो काफ़ी बेटर है। तो ये आपको एक प्रीमियम क्लास का लैपटॉप अगर आप यूज़ कर रहे हो, मेरे ख्याल से तो एप्पल से भी बेटर लुक यहाँ पे दिख रहा है। मुझे बहुत इसका टच एंड लुक जो फील है वो बहुत बेटर लग रहा है। देर इज़ ऑल्सो अ पवेलियन लोगो नियर द कीबोर्ड बटन, यू कैन सी यर यर वी ऑल्सो हैव अ चार्जिंग पोर्ट, यू कैन से अनदर वन इज़ HDMI पोर्ट एंड अनदर इज़ USB पोर्ट एंड SD पोर्ट। ओके, सो दिस वे इट गिव्स वेरी क्लासी लुक एंड सिस्टमेटिक पोर्ट सेंटर्स आर अवेलेबल। Now let's talk about the audio quality. So I'll just play my one of the short video. Wishing all my friends and family a very happy Dashera. This year two family have been added in my life, that is YouTube and Chingari. So they are not super loud, but yes, you can easily enjoy the voice quality over here. Now let's talk about the keyboard. ये जो keyboard का जो button है वो black में है। okay, ये plastic का, इसका जो आप इस यहाँ से cursor easily घुमा सकते हो, easily है, user friendly है, मैं easily इसको type कर पा रही हूँ और use कर पा रही हूँ। तो इसमें कोई complaint जैसा नहीं है, कोई hard button नहीं है, smooth buttons इसके available है। इसका जो बेस्ट जो मुझे लगा, ये इसका जो टच है वो काफ़ी अच्छा है। मैं आराम से टच करके, मैं जो भी ऑप्शंस मुझे अगर ओपन करना है तो वन टच के साथ मुझे यहाँ पे इजीली मैं एक्सेस कर पा रही हूँ। कोई भी फोल्डर में अगर मुझे जाना है, आप देख सकते हो मैं इजीली एक ही टच पे मेरा ये डिटेल सारी ओपन हो रही है, मैं काम इजीली कर पा रही हूँ। So final thought, this laptop comes with all the features, like at this practical level आज की तारीख में अगर किसी को भी एडवांस फीचर वाला लैपटॉप चाहिए, जहाँ पे एनालिसिस करना है, कोई एडिटिंग करना है, तो दिस इज़ द बेस्ट लैपटॉप आई थिंक एंड बेस्ट प्राइस में मुझे मिला है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको ये HP का लैपटॉप पसंद है, तो ये लिंक पे क्लिक कर दीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी इसकी इन्फॉर्मेशन जो है, प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स भी प्रोवाइड कर दूँगी, आपको अमेज़ोन एंड फ्लिपकार्ट की लिंक भी दे दूँगी। तो अभी फेस्टिवल ऑफ़र आ रहा है, तो आप मेरी लिंक के थ्रू जाएंगे तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। और दिस इज़ ऑल अबाउट HP पवेलियन 360 लैपटॉप i5 जनरेशन, विच आई डेफिनेटली रिकमेंड टू द पीपल हु आर एक्चुअली इनटू एनालिसिस एंड एडिटिंग। ओके, सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो अनबॉक्सिंग का, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप अगर इसको यूज़ कर रहे हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस। थैंक यू।